Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. My name is Maulik Chaudhary. और guys, काफ़ी सारे students की requirement थी कि एक video बनाओ आप, जिसमें detailed video में आप बताओ कि कैसे हम schedule build कर सकते हैं particular for semester. तो इसी video में हम उस पर ही बात करने वाले हैं. तो बिना time गवाए इस video को हम शुरू करते हैं. तो क्लास स्केड्यूल करने के लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट होम पे क्लिक करना होगा. जैसे ही आप स्टूडेंट होम पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट होम का जो पेज है वो ओपन यहाँ पे हो जाएगा. यहाँ पे आपको मैनेज क्लासेस दिख रहा होगा, तो वो जो मैनेज क्लासेस है उस पे हमें क्लिक करना है. यहाँ पे हम जो बिल्ड स्केड्यूल है उस पे हम क्लिक कर लेंगे. तो जैसे ही हम बिल्ड स्केड्यूल पे क्लिक करेंगे, हमारा जो विजुअल स्केड्यूल बिल्डर है वो ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने ऑलरेडी दो सब्जेक्ट्स, जो दो कोर्स है उसके लिए एनरोल किया हुआ है. यहाँ पे सबसे पहले आपको माय रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करना है. जैसे ही आप माय रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करेंगे, इट विल टेक सम टाइम टू लोड दी पेज. जैसे ही ये पेज ओपन होता है, यहाँ पे आपको अपने कोर्स का नाम दिखाई देगा और जिस भी कोर्स के लिए आप अपने क्लास का जो स्केड्यूल है वो बिल्ड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रिक्वायर्ड कोर्सेज है जो आपको सिलेक्ट करने हैं. तो जो भी रिक्वायर्ड कोर्स है उनको सिलेक्ट कर लेना है. यानी मैं इस जनरल सब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड करके दिखाऊंगा. तो यहाँ पे मैं ये कोर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद हमें क्लोज ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है. तो यहाँ पे सबसे सेकंड इम्पोर्टेंट बात आती है कि अगर आप इंडिया से क्लासेस करने वाले हो तो मेक श्योर कि यहाँ पे आप सॉर्ट बाय मॉर्निंग क्लासेस कर दे. क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके क्लासेस इवनिंग में ही स्टार्ट हो जाए, यानी कि इंडिया में इवनिंग में ही स्टार्ट हो जाए, तो आपको प्रिफर्ड बाय मॉर्निंग क्लासेस ही कर लेना है. और एक बात मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोफेसर्स का नाम दिख रहा है, यहाँ पे कौन कौन से टाइम पे आपके क्लासेस होने वाले हैं वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है. तो मैं यहाँ पे एक आपको बोनस टिप देना चाहता हूँ. अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से प्रोफेसर्स डिफ़िकल्ट है, ते हैं रेट माई प्रोफेसर करके एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप उनका रेटिंग चेक कर सकते हैं. और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि देखो, अगर आप जैसे ये मेरा आप कर्सर देख रहे हो, वैसे मैंने अभी एनरोल कर चुका हूँ, बट देखो अभी मैं जैसे ही उस लेक्चर NBB या NDD पे क्लिक करता हूँ, मीन्स कर्सर ले जाता हूँ, तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कौन से टाइम पे वो लेक्चर्स हो सकते थे. सो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से टाइम पे आपको वो लेक्चर चाहिए. तो उसके बाद हमें गेट दिस स्केड्यूल ये दिख रहा है, उस पर हमें क्लिक कर लेना है. जैसे ही आप गेट दिस स्केड्यूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको डू एक्शंस दिख रहा होगा, उस पर एक बार क्लिक कर लेना है. तो आप देख सकते हैं दिस क्लास हैज़ बीन एडेड टू योर स्केड्यूल. तो ये क्लास आपके स्केड्यूल में ऐड हो चुका है. ऐसे ही आप अपने जिस भी कोर्स के लिए आप अपने स्केड्यूल में जिस भी कोर्स को आप ऐड करना चाहते हो उसे इसी तरह से कर सकते हो. और देखो यहाँ पे एनरोल्ड लिखा हुआ आ चुका है. मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये डू एक्शंस करने से पहले आप एक बार अपने जो भी प्रोफेसर्स है या अपने जो क्लास का टाइमिंग है उन सबको एक बार रिफ़र कर ले. और जैसे ही आप एनरोल कर लेते हो, मैं यहाँ पे एक बार और दिखा देता हूँ, आपको माय रिक्वायरमेंट्स पे जाना है. जैसे ही आप माय रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करेंगे, आपको क्या करना है, जो जिस भी कोर्स के लिए आप अपना स्केड्यूल बिल्ड करना चाहते हैं, यानी अपने जो भी सेमेस्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पहले आपको देखना है. देखिए यहाँ पर आपको 6 रिक्वायर्ड दिख रहा है, ठीक है. तो 6 कोर्स के लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा, यानी 6 सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो देखिए मेरा यहाँ पे रिक्वायर्ड कोर्सेज में 4 दिख रहा है, लेकिन मैंने अभी 2 ही सिलेक्ट किए हुए हैं, यानी दो ही के लिए मैं अभी एनरोल हुआ हूँ.
तो दो दो तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आपको यहाँ पे जो सिलेक्ट दिख रहा है उस पर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके वो रिक्वायर्ड कोर्सेज को आपको सिलेक्ट कर ही लेना है, ठीक है। उस सेमेस्टर में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, यानी अगर आपका कोई जनरल एजुकेशन सब्जेक्ट है उसको आपको लेना है उस सेमेस्टर में, तो उसको भी आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। आई होप ये वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपकी कुछ हेल्प हुई है तो इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बता देना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बता देना, मैं श्योर आपको रिप्लाई करूँगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।